सिद्धू भाजी ही है, हैं आने वाले टाइम में भी मेरे को लगता है काफ़ी देर तक रहने वाले हैं बिकॉज बहुत सारे गाने उनके आने वाले हैं अभी बहुत सारे गाने उनके बने हुए हैं तो अभी तो है। वही हैं उनका गाना आता है तो मतलब YouTube हैं हैंग हो जाता है जो मुझे पर्सनली फील होता है कि लोग आपस में अटैच्ड हैं अगर मतलब मैं दिल्ली या बॉम्बे इंडस्ट्री में जो वहाँ पे आर्टिस्ट हैं उनसे बात पंजाबी जब सॉन्ग आता है तो कोई ना कोई ब्रांड्स का ऐसा क्या लगाव है, लग, है। लो, पंजाबी सिंगर्स <laughs> को या फिर हमेशा कुछ ना कुछ पूछी हो पर कुछ भी अभी गया अटेंड होटें क्या है ये हिट सॉन्ग बेसिकली वाइब पे है जो दिल को भाई हमारे लिए तो वही एक था बाकी लोग पसंद करते हैं तो जो तो ऑडियंस के दिल में रह जाए लोग बार बार सुनना पसंद करें वो एक एक्टर सेट पर ज्यादा मस्ती किसने की है लेकिन <laughs> कैसे मैंने तो काम किया ना अच्छा मन ने हम रेट तेरे हाई करते एक बारी देख के तहस दिया कर तेनू वेखे बिना दिन लंघदा नहीं किथे है लोकेशन तो दस दया कर गल तो जटी ना तेरी बनी पई है वेखता सही तू जटा गल करके हेलो हाय वेलकम टू एन टी लाइव मेरा नाम भावना है इस वक्त मेरे साथ हैं हितेश और इंदर क्योंकि हम आ चुके हैं चंडीगढ़ में वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल पंजाबी जब सॉन्ग आता है तो कोई ना कोई ब्रांड्स का ऐसा क्या लगाव है पंजाबी सिंगर्स को या फिर कि हमेशा कुछ ना कुछ गुच्ची हो पराडा हो कुछ भी वो अभी आ गया टेन हो टेन. क्या है ये और क्यों लेके आया गया

और पहली बार आपका ये, अभी पिछले इंटरव्यू में सुन रहे थे पहला बच्चा है है यार <laughs> योर सौंग, सौंग। तो ऐसा 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 कभी जब जब कोई ऐसा हिट किया हो हो वो मोमेंट कौन सा था जब इंदर ने आपको बताया हो कि सॉन्ग या फिर कहीं और से आपके पास आया हो और आपने कहा कि हाँ, आप वी <laughs> मतलब जब हमने लेबल का कि लेबल, आ, करते हैं ना, तो सॉन्ग्स हमने लेने की गाना करते हैं

तू जी अच्छा अच्छा ओके इतना ही था <laughs> जी, जी। <laughs> तो 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 बेसिकली वो 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 गुलेजी के साथ है, तो वो यहां पे नहीं है 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 अभी तो इसलिए मैंने उसकी एक लाइन अच्छा, तो ये सॉन्ग सॉन्ग कैसे कैसे बना गाया क्या रही है, क्या रही पूरी बैक स्टोरी क्या है की वो बता दीजिए जो तो, हाँ तो टेमन में तो ऐसा कुछ नहीं है जब आ, राइटर ने लिख के दिया गाना तो बीट सॉन्ग था हमने उसी टाइम डिसीजन लिया कि हाँ यार ये अच्छा है पता चल जाता है अपने माइंड को वाइब आ जाती है तो डब कर दिया हमने वो अच्छा बन गया हमने प्रोड्यूस कर दिया जी अच्छा। आगे क्या क्या किस किस तरीके के सॉन्ग आप लाने वाले हैं कुछ पाइपलाइन में है अभी ओके सो ऐसा मतलब हर महीने गाना करते हैं हम तो अभी बीट सॉन्ग्स का टाइम है शादियों का टाइम है तो हमने बीट किया अगर रोमांटिक भी हैं सैड भी हैं शॉपिंग नहीं कर रहे हैं अच्छा आप दोनों से ये सवाल है मेरा कि पंजाबी इंडस्ट्री में ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो आप बाकी इंडस्ट्री में नहीं देखते हैं इमोशन है बहुत सारे लोग जुड़े भी हुए हैं एक इंडस्ट्रीज हैं आई वुड से I would say, uh, जो मुझे पर्सनली फील होता है कि लोग आपस में अटैच्ड हैं अगर मतलब मैं दिल्ली या बॉम्बे इंडस्ट्री में जो वहाँ पे आर्टिस्ट हैं हैं उनसे बात करता हूं। वो थोड़ी चीजें कमर्शियल हो जाती पंजाबी इंडस्ट्री में सबसे जिनका नाम सर्च करो अभी भी अगर की नंबर वन इन पंजाबी इंडस्ट्री सिंगर तो वो सिद्धू मूसेवाला ही आता है तो नेक्स्ट आपको क्या लगता है कि अभी कौन है जो पंजाबी इंडस्ट्री को फ्लैग उनका मुझे तो अभी तक कोई नहीं लगता जी है आने वाले टाइम में भी मेरे को लगता है काफी देर तक रहने वाले बिकॉज बहुत सारे गाने उनके आने वाले हैं बहुत सारे गाने उनके बने हुए हैं तो वही हैं उनका गाना आता है तो मतलब यूट्यूब हैंग हो जाता है तो अब भी वही ट्रेंड है जी जी अच्छा अ जब कभी भी आप आ, मतलब वो कौन सा मोमेंट था जब आपने ये सोचा था कि आपको सिंगर बनना है 2015 इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो आपका डेब्यू 16, या, 16 या, है ना तो तब से लेकर अब तक अभी बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है बट स्टिल आप काफी सॉन्ग पे सॉन्ग सॉन्ग पे सॉन्ग ला रहे हैं तो कब डिसाइड किया था कि आपको सिंगर बनना है और सॉन्ग लॉन्च करना है आ, मैं स्कूल में गाता था सबसे पहले फंक्शंस पे गाता था

तो ये दिमाग में रखते हैं कि ये रील्स में वायरल हो जाना चाहिए या ऐसा कौन सा एलिमेंट डाले कि सोशल मीडिया पर ये छा जाए ऐसा कभी दिमाग में होता है अगर होता है तो क्या वो मतलब मेरा है? बेसिकली नहीं होता मैं ये सोच के नहीं बनाता कि हाँ ये रील्स पे चलेगा हम गाने का कंटेंट पे बेसिकली डिपेंड होता है और जो चलनी चीज होती है वो चली जाती है ऐसा नहीं कि हम रील्स के लिए गाना बनाएंगे तो ही चलेगा कई गाने ऐसे होते हैं कि जो रील्स पे सोचे भी नहीं होते अब चल जाते हैं है ना तो जब रील्स नहीं थी तब मेरा एक गाना है तो वो अब रील्स पे सबसे वायरल है ऐसा कुछ नहीं है वो रील्स खुद बना लेती चीज मेरे हिसाब से तो जो मैं ये सोच के नहीं बनाता तो जो वायरल है रील्स पे सॉन्ग वो भी एक दो लाइन गुनगुना दीजिए उसकी एक गाइए तो इसकी दो गा दीजिए ओके सो गाना आया था गल करके मन ने हां मैं रेट तेरे हाई करते एक बारी देख के त हस दिया कर तैनू देखे बिना दिन लंगदा नहीं किथे है लोकेशन ता दस दिया कर गल त जटीना तेरी बनी पई है देख ता सही तू जटा गल करके Nice. पे बहुत सारे लोगों ने हैं शायद मैंने भी okay. uh, what's your idea of hit song? दोनों से सवाल मेरा hit song basically पे है जो दिल को हमारे लिए तो वही एक लोग पसंद, uh, तो पसंद बट बार -बार okay. है है। तो तो uh, uh, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो जब आप तैयारी कर रहे होते हो जब आप लिख रहे होते हो या बना रहे होते हो या गा रहे होते हो या पैसे लगा रहे होते हो तब उस वक्त क्या होता है? ऐसा नहीं होता कि हाँ हम हेट्टी बनाएंगे है ना मतलब हमारी सोच होती कि कि अगर हम मुझे है, लोग बनाते हैं जॉनर है, है लव सॉन्ग है बीट सॉन्ग है उसको जब सुनते हैं कि अगर वो सैड का जॉनर है को सैड उसमें इमोशंस हैं नहीं है लोग इससे कनेक्ट होंगे नहीं होंगे बहुत सारी चीजें होती हैं मतलब आपके वो automatically calculation algorithms चल रहे होते हैं हैं। गाने को 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 सुनने के के बाद कि ये लोगों अच्छा लगेगा नहीं, 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 का? नहीं। को ही ध्यान में रख चीजें की जाती अगर आप बनाते बनाते झूम रहे हो और वाइब में कर रहे हो तो फिर आपको लग रहा है आपको लगता है कि पंजाबी इंडस्ट्री या कोई भी अगर हम अंदर इंडस्ट्री की बात करें तो वो बहुत लिमिटेड हो जाती है हिंदी भाषी लोग ज्यादा हैं तो कभी सोचा है कि हाँ अभी बॉलीवुड जाना है या नॉट बॉलीवुड बट हिंदी मेनस्ट्रीम जो लाइन है प्लेबैक करना है और किसके लिए करना है ये सब सोचा है आगे है प्लान्स में या फिर अभी आप पंजाबी में ही खुश हैं अभी पंजाबी में कर रहे हैं बेसिकली हिंदी गाने भी मैंने किए हैं अभी हिंदी पर अभी हुए हाँ. हैं तो हम ट्राई करेंगे जरूर कोई आएगा हमें तो जरूर ट्राई करेंगे जी अच्छा और पंजाबी सॉन्ग्स को अब बहुत सीरियसली लेने लग गए हैं लोग वो एक्चुअली काफी वक्त हो गया दस साल के आसपास हो गए उसके पहले इतना ज्यादा हिट नहीं होते थे बट अभी आप गाड़ियों पे जा रहे हो गेड़िया मार रहे हो आप कहीं शादी बारात में गए हुए हो जो यूपी बिहार जगह है वहां पे भी पंजाबी गाने आराम से बजते हैं फिल्मों में पंजाबी गाने बहुत हिट है तो ऐसे में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है जब आपको लगता है कि यार दर्शक वर्ग जो है वो बड़ा है

ईजी गोइंग एंड फन गोइंग शूट था हमारा मस्ती मजाक चलता रहा और बहुत कुछ था <laughs> सेट पे शो सो कौन ज्यादा था जल्दी ही इज वेरी लेजी थक जाते हैं मतलब बहुत लंबा शूट होता है कितनी अच्छे से इन्होंने जस्टिफाई कर दिया पहले बोल के एक्चुअली हम सोए नहीं थे

सिंगल हैिंगल है रेडी टू मिंगल है क्या है ऐसा कुछ नहीं है मुझे सिंगल का नहीं पता नहीं। <laughs> मैं सिंगल हूं वैसे जी चलिए और अभी आपने बता ही दिया कि आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बहुत जल्दी आने वाले हैं और तो यही है कि अभी फिलहाल आप इस सॉन्ग को एंजॉय करिए ये आ चुका है सॉन्ग और उसके बाद इंदर ने बता दिया है कि काफी कुछ है पाइपलाइन में बहुत सारे सवालों के बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दिए हैं इंदर ने भी और एचएलवी ने भी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम थैंक यू थैंक यू thank <music> you